देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी विपक्षी दल एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनावी बयार पूरे जोर पर है। यहां बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के बीच सियासी गुणागणित शुरू हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अपने गढ़ को बचाने के लिए सपा की तरफ से शिवपाल को मैदान में उतारना लगभग तय माना जा रहा है। शिवपाल यादव इस समय इटावा के जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। गढ़ बचाने के लिए चाचा शिवपाल को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की चर्चाएं तेज हैं। खबरों की माने तो शिवपाल आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में, लेकिन इससे पहले आजमगढ़ सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी। खुद चाचा शिवपाल ही एक बार कह चुके हैं कि अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव लड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सपा के लिए गढ़ मानी जाने वाली आजमगढ़ सीट पर कौन उतरेगा। बता दें कि 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव की हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश आजमगढ़ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो पूर्वांचल साधने के लिए चाचा को भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। शिवपाल अगर यहां से चुनाव जीतते हैं तो उनकी विधानसभा सीट जसवंत नगर से आदित्य यादव पर दांव लगाया जा सकता है। आदित्य यादव को भी सेफ सीट से राजनीति में फिट कराने के लिए योजना बनाई गई है। इस बार आजमगढ़ का चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां सपा अपनी सीट पर दोबारा कब्जा करना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी जीत को बरकरार रखने का पूरा प्रयास करेगी। साल 2017 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद साल 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल सीट से जीते और फिर विधायक बनने के लिए आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ यूपी में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल ली, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई। अखिलेश ने इस सीट से चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उतारा था, लेकिन उनका दांव फेल हो गया। सपा को अपने ही गढ़ में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने बम्पर जीत हासिल की थी।